अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? आज ब्लॉग में हाजिर हुए हैं। आज हम यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। वालेकुम अस्सलाम। आप बताएं यार, क्या आज हो रहा है यहाँ पे? आज ये भाई चिकन की तैयारी है, चिकन बनाएंगे अच्छा सा करके, तो उसकी तैयारी कर रहे हैं। आज बारबेक्यू है हमारा यहाँ पे जी। आज बस लगे हुए हैं, तैयारी की है, अभी देखो क्या होता है। अच्छा, ये देखें हमारे इम्तियाज साहब यहाँ पे लगे हुए हैं। चूल्हा इन्होंने किस चीज़ पे बनाया? किस चीज़ पे बनाया जी आपने चूल्हा? कमरे में। अच्छा, और क्या क्या आपने यहाँ पे लकड़ियाँ, ये देखें गठी की है, और यहाँ पे अभी चूल्हा बन रहा है, और साथ ही ये देखें मसाला, प्याज, टमाटर, ये नींबू, और ये मुर्गी छुरी, ये सारा कुछ पड़ा हुआ है। आज दिन का खाना यहाँ पे हम इंजॉय करेंगे, और ये हांडी पका रहे हैं यहाँ पे। तो हम पूरी तैयारी पे आपको दिखाएंगे कि हांडी किस तरह पकती है, घी की मसाला डाल के सारा इसमें जो है ना, हम आपको पूरे व्लॉग के साथ मिलेंगे। तो हमारा व्लॉग देखते रहिएगा, इंजॉय कीजिएगा, लाइक करिएगा और फॉलो करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो फ्रेंड्स, ये फैसल भाई हमारे बहुत प्यारे भाई हैं। ये देखें फैसल भाई आ रहे हैं जी। फैसल भाई मसाला लेके आया? किसका मसाला लाया है? ये मुर्गी का मसाला। अच्छा, तो घेट के पास क्या करें ना, मसाले बहुत से होते हैं, बोलने का मसाला होता है। ये जो है ना, मसाला जब प्याज करेंगे ना जी, प्याज डालेंगे, टमाटर डालेंगे, उसके बाद मुर्गी को फ्राई करेंगे थोड़ा सा जी, उसके बाद जो है ना टमाटर डालेंगे, फिर ये चिकन टिक्का मसाला ये डालेंगे। तो इस ये जो आज बारबेक्यू हमारा जो प्रोग्राम है, इसमें कौन कौन शरीक हो रहा है? बड़े किसी आदमी का नाम बताएं। यासर शाह साहब है जी, आप है। अच्छा। मैं हूं और एक बंदे का आप नाम ही नहीं लिया, जो जिसको दे को भेजे वो लस्सी ले आता है। हाँ, वो बंदा जो है आ रहा है, आ रहा है, पहुंच जाएगा थोड़ी देर तक। अच्छा अच्छा, तो लेकिन तो कोई मसला नहीं है, हम है ना। अच्छा, आप उसका हिस्सा तो आप खा सकते हैं बाकी, माशाल्लाह। बिल्कुल जी, क्यों नहीं खा सकते हैं। और लेकिन वो बंदा ना आया तो सारा मजा खराब हो जाएगा सर। ये तो ऐसे ही है कि वो ना आया तो फिर ये जो हमारा मेहनत है, जो इतने दूर से हम लेके आए हैं सिस्टम इधर, इसका करने का कोई फायदा नहीं है। सही है। तो फ्रेंड्स, ये देखें व्लॉग के साथ ये अभी तैयारियों में मुकम्मल हैं, और हमने गमले के अंदर ये बनाया हुआ है चूल्हे का निज़ाम। तो यहाँ पर ये हमारे दोस्त हैं इम्तियाज छुरी, इधर मुंह करें आप। हाँ, ये देखें, ये होटल में ये बहुत अच्छी हांडी पकाते हैं, और ये रन मुरीद भी हैं, और घर में एक हांडी खुद बनाते हैं। ये कभी कभी बनाते हैं जी घर में हांडी? जी कभी कभी बनाता हूँ, जब कहीं बच्चों का मार पड़े तो। नहीं, मार नहीं पड़ती हमें, क्या था आप जैसे बंदे मार। चले जी, ये थोड़ा सा व्लॉग है, अभी ये तैयारियां कर रहे हैं, ये कुछ कपड़े जला के, ये ऐसे बुकरम और अपने कपड़े इन्होंने लाए हैं, बुकरम वाला जो सिस्टम है। हाँ, ये बुकरम वाले कपड़े जला रहे हैं, ये जला के अभी आग लगाएंगे, आग लगा के अपनी कमीज उतार दें। तो अभी फिलहाल जो है ना, वेलकम। ये हमारे साथ इम्तियाज, इधर आए यार, एक मिनट, इधर जल्दी आए, और इधर आओ यार, फैसल इधर आए, एक मिनट। ये हमारे साथ फैसल आ रहे हैं, ये व्लॉग आएगा, फिर शेयर भी करना है अपने अपने भाई के साथ, ठीक है? तो व्लॉग को आप इंजॉय लाजमी कीजिएगा। यार, आपसे एक शिकवा है कि मुझे 15 व्यू क्यों मिलते हैं, 15 या 22 से ज़्यादा व्यू कोई मिलता ही नहीं है। तो हालांकि आप इसके बात किया करें, देखा करें, ताकि हमारे मेरी वीडियो को प्रमोट हो और ज़्यादा व्यू मिले, और मेरे चैनल को जो है ना ज़्यादा प्रमोट हो। तो फैसल भाई, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? मैं भी आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि जो आपने बात की है सही की है, कि कुछ लोग होते हैं देखकर हमें जो है ना इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, हम बहुत मेहनत करते हैं इस चीज़ पे, बहुत इसमें जो है ना हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं,
तो चाहिए आवाम को कि हमारे साथ जो है ना कोऑपरेट किया करें। बिल्कुल, और इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर होने की वजह से टोटल मुझे जो है 15 के 20 व्यू मिल रहे हैं, खुदा का वास्ता है यार, कुछ तो ये देखें जी, आग जला दी है, आग जो दिल में लगी है जमाने में लगा दूंगा, तेरी डोली जो थी जमाने को जला दूंगा। ये आग के मुतालिक मैंने एक शेर पढ़ा था। ठीक है ठीक है, चलें। ये ऑयल इसमें डाल रहे हैं फैसल चांडियो। फेंको यार, और तेल पीना है तुमने, फेंके ये फैसल चांडियो बोतल में फेंक दीजिएगा बीच में। ये हमारे साथ सिंध से आए हैं फैसल चांडियो। यार क्या करते हो यार तुम, हम तुम्हें सिंधी लगते हैं यार, सिंधी भी पाकिस्तानी होते हैं, ऐसी कौन सी बात है यार। अब ये डालेंगे प्याज। हाँ प्याज डालें, दो मिनट इधर से मेरा, मुझे इधर जाने दें, मैं देखता हूँ आप किस तरह इसको जो है ना सिस्टम करते हैं आप। ये प्याज फेंक दी है इन्होंने, ये बहुत ही अच्छी डिश बन दी है। और ये हम यहाँ पे आग इतनी बहुत है, कल ही लगा रहा था इंशाल्लाह फिट ना रहो। टमाटर एक और कटूंगा चमची मोल दो। ये है भाईजान लकड़ की चमची, इससे खाना बनाने में स्वाद होता है और इसके जरासीम जो है ना नहीं होते। ये सुनत रसूल है, ये है जी। ठीक है, बड़ी अच्छी इन्होंने बात बताई है जी, लकड़ी का चमचा हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए, सुन्नत रसूल है। और लकड़ी की पकी चीज़ में जायका भी बहुत होता है। आग कोई नहीं आता, काश जगह आप हमारे साथ होते तो आप भी खाते, देखना आप भी कहीं लेल ना निकल जाए। कुकर ऐसा पकाइएगा कि मुंह से पानी देखने वाले निकल जाए। कितनी देर बोल रहे हो, ये कितना मोटा बंदा है, इसे फट्टी त्रोड़ने नहीं जा हो रही। ये हमारी फीकी उर्दू का जो है ना आप एंजॉय करें। ये नीचे आग बहुत थोड़ी लगी हुई है फैसल भाई, आग जलाएं, आग जो दिल में लगी है उसे दुनिया में लगा दूंगा, तेरी डोली जो उठी आगे क्या है दुनिया को जला दू। अच्छा पहले ये हमारे साथ एक और आ गए यासर पसोड़ी, जिनका पहले भी जिक्र हो चुका है। हाँ ये फैसल चांडियो और साथ हैं अम्तियाज सूरी और ये आ गए यासर पसोड़ी। कोई पता नहीं है ना जो कहते हैं। हाँ सही है, ये किसी और चीज पे ही हो यार, वो समय शामिल नहीं था। हम को हमारी आदत लगनी है, तू अगले कमरे ला के अगले टाइम में वीडियो बना रही है। चल फुल तैयार हो गई है ये बताएं इम्तियाज साहब। नहीं भाई, ये अभी इसको आधा जो है ना, मतलब समझो आधी तैयार होगी आधी रहेगी। अभी इसके बाद इसको क्या करेंगे, इसकी फ्राई करेंगे। अब इसको फ्राई होगी, जब फ्राई में इसको तैयार कर लेंगे, इसमें हम पानी नहीं डालेंगे,